अब हम ये सेकंड लेक्चर अपना लेंगे। अभी हमने जीरो बेसिक क्लास समझी, अब हम बेसिक समझेंगे। सबसे पहले कंपनी को चलाने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फंड्स की। कभी भी किसी कंपनी को अगर आपको चलाना है तो हमें सबसे पहली ज़रूरत होगी फंड्स की। फंड्स लेने के हमने दो तरीके समझ लिए। पहला तरीका हमारा क्या था, जल्दी जल्दी बता सकते हैं? पहला तरीका है ऑनर्स फंड, जिसमें हम पैसे इकट्ठा करते हैं शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर से जब पैसे इकट्ठा किया जाता है तो शेयर्स इशू किए जाते हैं और बदले में फंड लिया जाता है, तो इसीलिए उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर। द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और वो जो भी चाहे वो ले सकता है, उसके बदले पैसे दे देता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कंपनी में जो हिस्सेदारी होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, हर किसी की हो सकती है। जो जितना पैसा लगाता है उसकी उतनी हिस्सेदारी होती है और उसे इंग्लिश में बोलता है कैपिटल। एंड कैपिटल इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, दैट इज नॉन एज शेयर। एंड द पर्सन होल्ड द शेयर इज नॉन एज शेयर होल्डर। इसका मतलब हम ऑनर्स फंड को हिस्सेदार भी बोल सकते हैं। ऑनर्स फंड वाले जो होते हैं वो हिस्सेदार हम इन्हें बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनका हिस्सा होता है। इनका हिस्से को अगर और भाषा में बोले तो हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर। क्या बोल सकते हैं इन्हें? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर भी हम इन्हें बोल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास फंड रेज करने का, दैट इज द बोरोड फंड। एक और तरीका हमारे पास पैसे इकट्ठे करने का है, बोरोड फंड। और यहाँ पे जो बोरोड फंड होता है वो हिस्सेदार नहीं होते। हिस्सेदार किस तरीके से नहीं होते? उनका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, फिक्स्ड। उनको पता है कि उनको फिक्स्ड मिलना है और उनका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है जो पेमेंट किया जाता है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम अंतर करें, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड, इनके पास राइट होता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। मैंने बोला इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी, इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी, अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का। सुनना ध्यान से शब्द को, क्या बोला मैंने? राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। बट मैंने एक शब्द नहीं बोला डे टू डे अफेयर्स ऑफ कंपनी। फिर से सुनिए, इनके पास राइट होता है पार्टिसिपेट करने का इन टू द अफेयर्स ऑफ कंपनी, बट आई एम नॉट सेइंग डे टू डे अफेयर्स। मैंने सिर्फ अफेयर्स वर्ड यूज किया। परंतु अगर हम डिबेंचर होल्डर्स की बात करें तो इनके पास ऐसा किसी तरीके का ये वाला इनके पास राइट नहीं होता, नॉट अवेलेबल। इनके पास ये वाला राइट भी अवेलेबल नहीं होता, नॉट अवेलेबल। इनके पास ये बोरोड फंड जो होता है, इनके पास इस तरीके का राइट अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन मुद्दा ये उठता है, कभी भी नहीं होता है या हो सकता है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? क्या कभी भी नहीं होता या हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फिर बताओ, क्या कभी भी नहीं होता या हो सकता है? फिर से सुनिए मेरी बात, कभी भी नहीं होता या हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? जब इनका इंटरेस्ट टाइमली ना मिले, या इनको रीपेमेंट ना हो, या इनका रिडम्पशन ना हो। बिल्कुल ध्यान दीजिए, शायद आपने एक वर्ड सुना होगा, शायद आपने एक टर्म सुना होगा, डिबेंचर ट्रस्टी सुना है शब्द? क्योंकि बोरोड फंड हमारे कई तरीके से फंड रेज किए जाते हैं। बोरोड फंड में पहला तरीका हमारा क्या हो सकता है? इट मे बी डिबेंचर्स। इट मीन्स यहां पे हम पैसा कैसे इकट्ठे करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, बाय इशूइंग डिबेंचर्स, यस और नो? डिबेंचर्स का होता है क्या? रिडम्पशन, और टाइमली क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट। दूसरा, हम कैसे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, ये शायद आपने नहीं सुना, डिपॉजिट से। डिपॉजिट क्या होता है? एक लोन कंपनी जो है पब्लिक से पैसा लेती है और उनको एक टाइम के बाद वापस करती है, तो उसे बोलते हैं रीपेमेंट करना। क्या बोला मैंने? रीपेमेंट। इनको भी इंटरेस्ट दिया जाता है, इनको भी इंटरेस्ट दिया जाता है, यहाँ भी इंटरेस्ट पे होता है। तीसरा तरीका होता है बैंक से लोन लेना। इन दोनों के केस में, डिपॉजिट और इंटरेस्ट के केस में, हमेशा रीपेमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? रीपेमेंट। इनमें रीपेमेंट बोलते हैं, और डिबेंचर्स का होता है रिडम्पशन। क्या होता है? रिडम्पशन। क्या होता है? रिडम्पशन। और इनका क्या होता है? रीपेमेंट। क्लियर या ऑल क्लियर? अब अगली बात सुनो, हमने कहा क्या इनका कभी भी राइट नहीं होता या हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है अगर इनके राइट इफेक्ट होते हैं। राइट इफेक्ट कैसे? रीपेमेंट नहीं हो रहा या इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा। आपने एक शब्द सुना होगा डिबेंचर ट्रस्टी। व्हाट डू यू मीन बाय द डिबेंचर ट्रस्टी? किसे बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्टी? डिबेंचर ट्रस्टी वो व्यक्ति होता है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स हैविंग नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी, डिबेंचर ट्रस्टी वो व्यक्ति होता है जो कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि हम आपको इस टाइम पे इंटरेस्ट देंगे, इतने साल बाद आपका रिडम्पशन करेंगे, ये बेनिफिट्स होंगे। लेकिन अगर उन राइट्स का
उल्लंघन होता है, उन राइट्स अफेक्ट किए जाते हैं, तो यहां पे उसको ध्यान रखने के लिए एक व्यक्ति होता है, दैट इज नोन एज डिबेंचर ट्रस्टी। क्या बोला मैंने? क्या आपने डिबेंचर ट्रस्ट डीड वर्ड सुना है? पढ़ा होगा क्लास 12th में, डिबेंचर चैप्टर पढ़ा था, उसमें डिबेंचर ट्रस्ट डीड होता है। अब मैं आपको डिबेंचर ट्रस्टी को दूसरे तरीके से समझाती हूँ। आपने सुना होगा कि मणि होती है, और मणि की रक्षा कौन करता है? बोलो ना, मणि। मणि सुना है? मणि सीरियल्स में आता है, मणि की रक्षा कौन करता है? नाग। यहां पर मणि है, यहां पर क्या है? मणि है। किसकी मणि है? डिबेंचर होल्डर्स की। तो मणि की रक्षा कौन कर रहा है? डिबेंचर ट्रस्टी। कौन कर रहा है? डिबेंचर ट्रस्ट। समझ में आया? डिबेंचर ट्रस्टी वहां पे बैठा हुआ है कंपनी में, उसे लगता है कि अगर डिबेंचर होल्डर्स के राइट इफेक्ट हो रहे हैं, राइट इफेक्ट कैसे हो सकते हैं जल्दी बताओ? इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, या टाइमली इंटरेस्ट नहीं दे रहे, या रिडेम्पशन नहीं कर रहे। वो बोल देगा, सुनो सुनो डिबेंचर होल्डर्स, इधर आओ, कि क्या तुम्हारे राइट इफेक्ट हो रहे हैं, कंपनी के अगेंस्ट क्या लो? एक्शन लो। कंपनी के अगेंस्ट क्या लो? एक्शन लो। ऐसी स्थिति में डिबेंचर होल्डर्स अपनी मीटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिबेंचर होल्डर्स अपनी मीटिंग कर सकते हैं। देखिए, एक होता है CSEET को पढ़ाना, और सिर्फ CSEET को ही पढ़ाना, ध्यान देना बात को। एक होता है CSEET को पढ़ाना और सिर्फ CSEET को ही पढ़ाना, और एक होता है कि आपके आखिरी लेवल पे पढ़ाना और फिर फर्स्ट लेवल पे पढ़ाना। तो जो फैकल्टीज आपकी प्रोफेशनल को पढ़ा रही है, एग्जी को पढ़ा रही है, और फिर CSEET को पढ़ा रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चों का बेस इतना क्लियर कर देगी कि उसको एक एक चीज में बहुत पकड़ हो जाएगी, कैच कर लेगा वो चीजों को, उसकी पकड़ बन जाएगी। और हमें भी ये फायदा होता है कि हमें अगले लेवल पे बहुत अधिक प्रयास नहीं करने होते, बच्चा एकदम डंब नहीं होता, उसे चीजों की पकड़ होती है, समझ में आने लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? अब मैंने आपको क्या बोला, जल्दी जल्दी बताओ, क्या शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। क्या डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं? आंसर इज नो, डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अब ये सारा का सारा पैसा, ये सारा का सारा फंड इन्होंने उठा के किसे दिया? ये सारा का सारा पैसा उठा के इन्होंने दिया कंपनी को। किसको दिया ये सारा पैसा उठा के? कंपनी को। अब जब ये सारा पैसा कंपनी को दे दिया, आप सभी बच्चे जानते हो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आप सभी बच्चे इस बात को जानते हो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए या नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आर यू गॉट द पॉइंट? अब कंपनी कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या इसके पास ब्रेन है? क्या ये अपने डिसीजन ले सकता है? आंसर इज नो। क्योंकि इसके पास ब्रेन नहीं है, तो ये अपने डिसीजन भी नहीं ले सकता। अब क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में हमें जरूरत होती है कुछ ऐसे लोगों की जिनके पास ब्रेन है, जिनके पास दिमाग है, जो आप अपना माइंड यूज कर सकते हैं और बिजनेस को डायरेक्शन दे सकते हैं। भाई और बहनों, जो बिजनेस को क्या दे सकते हैं? डायरेक्शन दे सकते हैं। और इनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। ये शब्द ही ऐसे ही आया क्योंकि डायरेक्टर्स आर गिविंग द डायरेक्शन टू द कंपनी। डायरेक्टर्स क्या देते हैं? कंपनी के बिजनेस को डायरेक्शन देते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है डायरेक्टर्स। क्या बोला मैंने? डायरेक्टर्स। अब मेरी बात सुनना, अगर अकेला है तो डायरेक्टर, और एक से अधिक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर खाली बोर्ड। फिर से सुनना, इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर हम बोल सकते हैं खाली बोर्ड। अब अगली बात सुनना, एक है हमारा सेक्शन 2 और उसका है क्लॉज नंबर 10। अब ये भी कमाल की बात सुनना, आपको यही याद हो जाएगा। हम अगर कभी भी आपने देखा होगा, जैसे घर में किसी का नाम है चिंटू और बाहर का नाम है चरण सिंह। चिंटू एंड चरण सिंह बोथ आर द सेम पर्सन। घर का नाम चिंटू, आने जाने का बाहर का नाम चरण सिंह, बोथ आर द सेम पर्सन। कंपनी लॉ के अंदर कहीं भी अगर शब्द यूज होता है बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कहीं भी अगर वर्ड यूज होता है बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोथ आर द सेम मीनिंग। कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जो भी डेफिनेशंस डिफाइन की गई हैं, वो सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन की गई है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 2। एक बार और फिर से बोलिए, कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर टू। अब देखिए, जब ये सारे डायरेक्टर एक साथ मिल जाते हैं, जब ये सारे डायरेक्टर एक साथ होते हैं तो काम हो जाता है टन टना टन। जब ये सारे डायरेक्टर एक साथ होते हैं तो काम क्या हो जाता है?
टन टना टन, तो सेक्शन टू क्लॉज टेन, सेक्शन टू क्लॉज टेन, आर यू गॉट द पॉइंट? अब हमने यहां पे कंपनी पढ़ा था, तो कंपनी कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है? कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन नंबर टू एंड क्लॉज नंबर 20. सेक्शन टू और साथ में क्लॉज क्या है बच्चों? 20. अब इसे कैसे याद करें? कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है? कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाता है? जीरो टू हीरो, जीरो से हीरो बनने के लिए कोई भी व्यक्ति कंपनी बनाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा होता है, उसे ज्यादा पैसे कमाने होते हैं, तो वो क्या होता है? जीरो टू हीरो, तो टू जीरो, जीरो टू हीरो तो टू जीरो, फिर से सुनिए, जीरो टू हीरो तो टू जीरो, तो सेक्शन टू क्लॉज नंबर 20, सेक्शन टू क्लॉज नंबर 20, आवाज नहीं है जोर से बोलिए, सेक्शन टू क्लॉज नंबर 20 इज डिफाइंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या बोला मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, कंपनीज. क्या डिफाइन है? कंपनी, सेक्शन टू क्लॉज 20, जीरो टू हीरो तो टू जीरो. क्लियर होगी बात? अब अगली बात सुनो. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, क्या ये डायरेक्टर कंपनी हो सकती है? कोई और कंपनी डायरेक्टर बन सकती है? कोई दूसरी कंपनी डायरेक्टर बनने लायक हो सकती है? सोचना, समझना और फिर रिप्लाई करना. क्या एक कंपनी, कोई कंपनी है, क्या वो कंपनी डायरेक्टर बन सकती है? क्या कंपनी डायरेक्टर बन सकती है? सोच के बताओ, यस और नो, एक तरफ रहो भाई, या तो यस बोलो या नो बोलो, एक तरफ, एक तरफ, या तो यस या फिर नो, बताइए जल्दी से, यस और नो, यस और नो. क्या एक कंपनी डायरेक्टर बन सकती है? यस और नो. क्या एक कंपनी डायरेक्टर बन सकती है? यस और नो. रिप्लाई चाहिए मुझे, एक तरफ रहो, या तो यस की तरफ या नो की तरफ, यस और नो. नो. व्हाई नो? बहुत अच्छी ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया आंसर, क्योंकि इन कंपनी के पास ब्रेन नहीं है. ये बात लिखी हुई है, हालांकि आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी, सुनना ध्यान से, कहां लिखी हुई है ये बात? ये लिखी हुई है भाई और बहनों सेक्शन नंबर 149 में. सेक्शन 149 कहता है ओनली इंडिविजुअल टू बी अ डायरेक्टर. सिर्फ एक इंडिविजुअली डायरेक्टर हो सकता है, सेक्शन 149 कह रहा है सिर्फ एक इंडिविजुअली डायरेक्टर हो सकता है, और जिसके पास क्या है? ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन ही डायरेक्शन दे सकता है. आर यू गॉट द पॉइंट? एक बात तो साफ हो गई कि सिर्फ इंडिविजुअली डायरेक्टर हो सकता है, और एक नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं चला सकता है. आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं चला सकता है. अब मेरी एक बात सुनो, क्या सारा पैसा डायरेक्टर के हाथ में चला गया? बोलो, सारा पैसा किसके हाथ में चला गया? क्योंकि कंपनी तो कैसा पर्सन है? कंपनी का तो सिर्फ नाम चल रहा है, एक्चुअल में फंड किसके पास पहुंच गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. क्या ये बेईमानी कर सकते हैं? क्या ये लूट कर सकते हैं? क्या इनके मन में कपट हो सकता है? क्या ये कपटी हो सकते हैं? बताइए भाई बहनों, क्या ये कपटी हो सकते हैं? कपटी, कपटी मीन्स होता है फ्रॉड. क्या ये फ्रॉड कर सकते हैं? क्या ये फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर सकते हैं? क्या ये विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं? अब सुनो अगली बात. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक राइट होता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का राइट होता है राइट टू पार्टिसिपेट इन Participate into day to day affairs. इसका मतलब ये कहां पर participate कर सकते हैं? Participate into day to day affairs. ये कहां participate कर सकते हैं? Day to day affairs में. क्या इनका full control होता है? बोलो, answer is yes. अच्छा, पैसा किसको दिया? Board of directors को. क्या इनकी जिम्मेदारी होगी preparation of financial statement? Yes, बताइए जल्दी से. क्या ये प्रिपरेशन करेंगे? किसकी प्रिपरेशन किसकी करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट डू मीन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 एंड द क्लॉज नंबर 40. सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40.
सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन किए गए हैं, लेकिन हम इसे कैसे याद करेंगे? बिल्कुल ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, ये सब तमाम चीजें किसके अंदर आ जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर के, एवरी किसके बनाए जाते हैं जरा बताना, एवरी फाइनेंशियल ईयर के, एवरी फाइनेंशियल ईयर के। फाइनेंशियल ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, सेक्शन टू क्लॉज 41 के अंदर फाइनेंशियल ईयर डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 41 के अंदर फाइनेंशियल ईयर डिफाइन है। अब याद करते हैं सारी डिफिनेशंस कौन से सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन नंबर 2। 41 को हिंदी में बोलते हैं 41, क्या बोला मैंने, कम ऑन रिप्लाई, 41। इसका मतलब ये किसके लिए आया, एकता के लिए, किसके लिए आया, एकता के लिए। तो ये क्या हो गया, 41। अब एकता कैसे आती है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1st of April, इट स्टार्ट फ्रॉम 1st of April एंड इट कम्स टू एन एंड 31st of March। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अ फाइनेंशियल ईयर विच इज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1st अप्रैल से, कम्स टू एन एंड 31st of March। अच्छा ये बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन कर रहे हैं, कम ऑन रिप्लाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन टू क्लॉज 40। अब फाइनेंशियल ईयर में क्या बनाए जाते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे तभी तो फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो इसके पीछे वाला सेक्शन क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस और नो, सेक्शन 2 क्लॉज 40 क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 241 क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर, और 210 क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और 220 क्या हो गया, क्या बात है, चार सेक्शन आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, अब सुनो अगली बात, अगला क्वेश्चन मेरा, क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर करेंगे, बोलो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर करेंगे, आंसर इज येस और नो, येस। क्या ये घपला कर सकते हैं, फाल्सिफिकेशन कर सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, तो क्या इनकी चेकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो कोई भी सैलरी ले सकते हैं, कोई भी रेमुनरेशन ले सकते हैं, क्या इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या इनकी मैक्सिमम रेमुनरेशन तय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या इनकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट कर दे, क्या एरा गैरा नत्थू गैरा कोई भी डायरेक्टर बन सकता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है जिसने बहुत सारे फ्रॉड कर रखे हो, जो बहुत सारे स्कैम में दोषी हो, जिसको सेबी ने बैन कर रखा हो, जिसके अगेंस्ट एमसीए का नोटिस आया हो, क्या ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? कंपनी लॉ के अंदर डायरेक्टर जो व्यक्ति है, डायरेक्टर जो पर्सन है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो 10वीं है, वो 12वीं है, वो बीए है, वो एमए है, वो सीए है, वो सीएस है, कोई भी बन सकता है, लेकिन कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है। डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या रखा, अगर एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो चुका है वो डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है, अगर एक व्यक्ति ने इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन फाइल कर रखी है और वो पेंडिंग चल रही है वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, अगर एक व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध किया है जिसको 6 महीने से ज्यादा सजा मिली और 5 साल पूरे नहीं हुए वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, अगर एक व्यक्ति ने ऐसा दोषी करार दिया गया है और उसे सजा 7 साल या उससे ज्यादा दी है वो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता, अगर एक व्यक्ति ने कभी भी कंपनी में किसी में शेयर ले रखे उसकी कॉल पे नहीं करी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, अगर एक व्यक्ति को कभी भी कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि इसे डिस्क्वालीफाई करो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इट मींस एक बात तो साफ है, डायरेक्टर बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन क्या दी गई है, डिस्क्वालिफिकेशन। बीएमए सीएसीएस कोई भी डायरेक्टर बन सकता है प्रोवाइडेड वो क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाई। बीएमए कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर की पोजीशन से हट सकता है या डायरेक्टर की पोजीशन के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स में फॉल करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो सारा पैसा है ये सारा का सारा पैसा हमने किसे दिया? ये सारा का सारा पैसा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, कंपनी का तो सिर्फ नाम है। इस कंपनी को चलाने के लिए इस कंपनी में जितने भी नियम लगते हैं, कंपनी बनाने से लेके कंपनी को बंद करने तक जो पूरे सेक्शन है, दैट इज द टोटल 470 सेक्शन आर देयर।
कंपनी सेक्रेटरी को 470 सेक्शंस में इतनी डीप और इतनी इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि उसे टिप्स पे पता होना चाहिए ये सेक्शन है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी ऑल ओवर इंडिया इस बात के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं कि उन्हें कंपनी लोग इनडेप्थ नॉलेज है, डीप नॉलेज है। अब मुद्दा यह उठता है कि हमने सारा पैसा उठा के किसको दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पैसे को बिजनेस को क्या दी? डायरेक्शन दी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसने बनाए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो? जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा इट मीन्स हम कह सकते हैं जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डिविडेंट होगा, है ना? उतना ज्यादा क्या होगा? डिविडेंट होगा। उतना ज्यादा डिविडेंट होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द डिविडेंट? कम ऑन रिप्लाई। डिविडेंट किसे बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल। इट मीन्स हम कह सकते हैं जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? डिविडेंट होगा। और जितना ज्यादा प्रॉफिट है उतना ज्यादा डिविडेंट। और अगर हम इसका उल्टा करें, जितना कम प्रॉफिट है उतना कम डिविडेंट। डिविडेंट मीन्स व्हाट? द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंट। क्लियर? ये ऑल क्लियर? अब मेरी बात सुनो, क्या ये प्रॉफिट कम किए जा सकते हैं झूठे खर्चे दिखा के? तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताइए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कम ऑन रिप्लाई, होनी चाहिए। अब मेरी एक बात सुनो, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि शेयर होल्डर्स हैविंग अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी, हमने डायरेक्टर्स के बारे में एक बात पढ़ी कि डायरेक्टर्स हैविंग अ राइट टू पार्टिसिपेट इन टू डे टू डे अफेयर्स ऑफ कंपनी, यस और नो? क्या बोला मैंने? डायरेक्टर्स हैविंग अ राइट टू पार्टिसिपेट इन टू डे टू डे अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर्स हैविंग अ पावर टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। अब सुनिए मेरी बात, जब भी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक साथ मिलना है तो उनकी होती है मीटिंग, और उस मीटिंग को बोला जाता है बोर्ड मीटिंग। क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। जब भी कभी शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करना इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी, तो इनके पास भी राइट होता है मीटिंग करने का, और उसे बोलते हैं जनरल मीटिंग। क्या बोला मैंने? जनरल मीटिंग कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारी है। एक बात बताओ, आपने पूरा काम टू कंडक्ट एजीएम, बोल रही हूं मैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, टू कंडक्ट एजीएम इज अ ड्यूटी ऑफ बीओडी। ये किसकी जिम्मेदारी सौंप दी? जनरल मीटिंग मतलब एनुअल जनरल मीटिंग अभी मैं बोल रही हूं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, किसकी जिम्मेदारी है? क्यों है इनकी जिम्मेदारी, बताओ जल्दी से, क्यों है इनकी जिम्मेदारी? इनकी जिम्मेदारी है क्यों? इसलिए भाई साहब, तुमने क्या कमाया, तुमने क्या बचाया और तुमने क्या गवाया, क्या इसका हिसाब दोगे नहीं दोगे? कम ऑन रिप्लाई, क्या इसका हिसाब दोगे या नहीं दोगे? ये जिम्मेदारी किसकी है? अब ये बताइए, हिसाब कब बनते हैं? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स हम कह सकते हैं 31st of March को क्लोज होगा। अब रोज तुम हिसाब मांगने लगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं दे सकते, लेकिन इसके लिए 31 मार्च के बाद ही क्या दिए जाएंगे? हिसाब दिया जाएगा, मीटिंग की जाएगी, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जरा इसका लॉजिक समझिए। 31 मार्च को तो ईयर एंड हो गया, यस और नो? जल्दी बताओ, 31 मार्च को तो ईयर क्या हो गया? एंड हो गया। अब उसके बाद क्या एज इट इज, सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीओडी ने बनाए उस पर विश्वास कर ले आंख बंद करके? सोचिए और बताइए, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बना के पेश किए हैं, क्या उस पर आंख बंद करके विश्वास कर ले? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईमानदार है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ही सच्चे व्यक्ति हैं, हम उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, वो बहुत ही नेक इंसान है, वो भगवान राम की तरह एकदम ईमानदार है, वो युधिष्ठिर की तरह सत्य बोलेंगे, क्या हम आंख बंद करके विश्वास कर ले? पागल है क्या? हम नहीं करेंगे विश्वास, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यस और नो? पैसा एक ऐसी चीज होती है अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप को खराब कर सकती है, अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप को बना सकती है। इसीलिए इंसान को जीवन यापन करने के लिए
पैसा होना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही खाली पैसा होना चाहिए, पैसे के साथ रिलेशंस भी होने चाहिए, लेकिन पैसा होना भी जरूरी है। बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। पैसा एक ऐसा सोर्स होता है जो किसी से भी लड़ाई करवा देता है ना। किसी को उधार पैसे तो उससे मांगने पहुंच जाओ, जब लेने आएगा तो गाय होगा, देने आएगा तो शेर बन जाएगा, है ना। तो इट मीन्स जब पैसे लेने आते हैं तो गाय की तरह आते हैं और देने आते हैं तो शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा नियम सिखाया जाता है कि रिलेशनशिप में कभी भी घर में कभी भी परिवार में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए, पैसों की ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए, नियम सिखाया जाता है। मैं तो इस बात पे अड़िग हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हाथ जोड़ लेते हैं भाई, हम पैसे ना लेंगे भगवान की दया से ना पैसे देंगे। क्योंकि अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग रखने हैं, रिलेशनशिप बिना पैसे के भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा होता है, आजकल बातचीत इतनी ज़्यादा होती है, दूर रहते हुए लड़ाई हो जाती है। सिस्टर इन लॉ इज रिजाइडिंग इन लंडन एंड उसकी भाभी रहती है इंडिया में, भाई सब दोनों की लड़ाई होगी। लंडन में सात समुंदर पार बैठी है, एक हिंदुस्तान में बैठी है, दोनों की लड़ाई होगी, डिस्प्यूट हो गया फैमिली में, बताओ किस वजह से? या तो एक्सेसिव कम्युनिकेशन, या लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या मोर एक्सपेक्टेशंस, मोर इंटरफेरेंस, मोर डिस्टर्बेंस। दुनिया में अकेले आए, अकेले जाना है, क्या ही करना है फालतू के इंटरफेरेंस से। अपनी जिंदगी में मजा लीजिए, एंजॉय करिए। दो ही नियम है जीवन को मजे से जीने के, एक जीरो एक्सपेक्टेशन, जीरो इंटरफेरेंस, जिंदगी की मौज है। आपने सुना होगा संगीत, व्हाट डू मीन बाय द संगीत, क्या होता है संगीत, संगीत का मतलब क्या होता है? सुना है आपने संगीत, क्या होता है संगीत का मतलब? संगीत किसे बोलते हैं, क्या होता है संगीत? अगर आपसे मैं पूछ रही हूं, बताओ यार संगीत का मतलब क्या होता है? संगीत कितना सिंपल शब्द है, संग संग गाने वाला गीत, जो संग संग गाया जाता है, इस नोन है संगीत, इस नोन है सॉन्ग। अब आजकल सॉन्ग कैसे, कोला वेरी डी। देखो संगीत का मतलब होता है जो संग संग गा रहे हैं। और आज के डेट में क्या दिक्कत हो रही है कि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हैं, ना तो उन्हें गानों का मजा, ना मूवी का मजा। आप देखते हो 2 घंटे की पिक्चर होती है मूवी हॉल में, उसके बीच में सब लोग को भूख लग जाती है, वो खाते हैं पॉपकॉर्न जैसे पता नहीं कब के भूखे। 2 घंटे में ब्रेक हो जाता है ना, 2-3 घंटे की मूवी में ब्रेक हो जाता है, और उसके बीच में पॉपकॉर्न आती है, और सबको पता होता है 2 रुपए की पॉपकॉर्न 100 रुपए में खा रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है भाई साहब। आत्मतृप्त हो रही है, हो भी क्यों ना, 2 रुपए की कॉस्ट की चीज जब आप 100 रुपए में खा रहे हो तो आत्मा तो तृप्त होगी होगी। और ऐसा कौन करता है, जो बहुत अमीर लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो करते हैं इस काम को, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आपको यह भी पता होगा कि मूवी हॉल में अंदर ले जाने के लिए खाने की चीजें अलाउड नहीं होती, वही पॉपकॉर्न मिलेगी, वही कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, उसमें आधी आधे गिलास में बर्फ होगा और ऊपर इतनी सी कोल्ड ड्रिंक होगी, उसे ही पियेंगे बैठ के, उस बर्फ को ही पियेंगे, वो 100 रुपए का गिलास होगा, लेकिन मजा आएगा उसे पीने में, क्योंकि 5 रुपए का सामान 200 रुपए में पी के आओगे तो एंजॉयमेंट तो होगा ही, यस और नो। और वहां कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा जो मेहनत से पैसे कमाता है, वहां या तो यंगस्टर्स होंगे या हाई क्लास लोग होंगे जिनके पास यही नहीं पता पैसा कितना है, और वही अमीर करके आएंगे उन्हें। गरीब आदमी तो पीवीआर में नहीं जाता, वो तो मूर्ख ही नहीं बनेगा, उसे पता है 1 रुपए की पॉपकॉर्न है, मैं इसे 100 रुपए क्यों दूं, चाहे उसके पास होंगे भी वो तो भी नहीं लेगा, वो बाहर आके 10 रुपए की पॉपकॉर्न खा लेगा, पॉपकॉर्न ही तो है भाई साहब। और क्या 3 घंटे की मूवी में इतना आनंद नहीं आया कि लगातार उसे देख सके, कितने पैसे खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लड़की डांस कर रही होती है, लड़का भी होता है, इमोशंस होते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, लड़ाई होती है, सब कुछ होता है, फिर भी 3 घंटे नहीं देख पाते। देख पाता है कोई? नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पा रहे? पैशन ही नहीं है, शांति नहीं है, सुकून ही नहीं दिमाग में, बस ढूंढ रहे हैं शांति को, कहीं मिल जाए वो शांति, शांति कहीं तो होगी, शांति कहीं नहीं है, शांति ही बैठी है ना। तो हम बस सर्च करते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों की स्थिति देखी है आपने? छोटे छोटे बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही हाई है। पता है कैसे हाई है? बच्चों के ऊपर प्रेशर पुट कर दिया, बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, मेरा बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले पूछ रहे हो कि भाई साहब आपका बच्चा तो सीएससी बनेगा, पैदा हो गया बच्चों उसकी बात कह रहे हैं तो सीएससी बनेगा, उसके उतना प्रेशर पुट कर दिया। जो चीज मैंने 18 साल में डिसाइड करी वो बच्चा 1 साल में डिसाइड कर ले कि वो क्या बनेगा,
भगवान भी तो कोई चीज है, सृष्टि भी तो कोई चीज है, विधाता भी तो कोई चीज है, कुछ उसको भी जिम्मेदारी दे दो, ये सब खुद ही लोग हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपका बेटा क्या बनेगा, मैंने कहा जो भगवान चाहेगा, जो माता रानी चाहेगी, जो विधाता चाहेगा, जो सृष्टि चाहेगी तो बनेगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं बनेगा। अभी से उसके ऊपर प्रेशर पुट कर दे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटा, वो बेचारा जिंदगी नहीं जी पाएगा, वो जिंदगी जी नहीं पाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद। क्या कहाँ किस किताब में लिखा है कि मैं अगर प्रोफेशनल हूँ मेरा बेटा भी प्रोफेशनल बने? कहीं नहीं लिखा। उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना इंटरेस्ट है, मेरे से उसे क्यों कंपेयर किया जाए? हो सकता है वो मेरे जितना कामयाब ना हो, तो इसका मतलब उसका मेरे घर में जन्म लेना ही उसके लिए तो बहुत बड़ा एक तरीके से श्राप हो गया, वो तो जीवन ही नहीं जी पाने का। क्यों कंपेयर कर रहे हो मेरे से भाई, मेरे से क्यों कंपेयर कर रहे हो उससे, उसके फादर से उसे क्यों कंपेयर कर रहे हो? वो यूनिक है, वो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं नहीं किसी के चक्कर में पड़ती, छोटे छोटे बच्चों को एडमिशन करा देते, एडमिशन करा के आओ, बच्चे को स्कूल में जाते 2.5 साल का बच्चा, पेरेंट्स से पूछे टीचर से क्या मेरा बच्चा लाइन क्रॉस करने लगा? अरे यार पूरी जिंदगी लाइन क्रॉस करेगा, कितनी कॉपी भरेगा, उसे जी लेने दो अभी। लेकिन उसे इंग्लिश बोलने सिखाई जाती है, घर में कितनी दिक्कत है हमारे साथ, कितनी प्रॉब्लम है छोटे बच्चे को घर में सब क्या सिखाते हैं। जरूरी नहीं हर घर में इंग्लिश बोली जाती हो, बहुत सारे घरों में बच्चों को ये भी बोलते हैं बेटा केला खाना है, जरूरी उसके मम्मी पापा बोल सकते हैं इंग्लिश, उसकी दादी दादा बोल सकते हैं बेटा केला खाना है, लेकिन दादी को भी इंग्लिश सीखनी पड़ती है, वो भी बोलता है बेटा बनाना। अब वो बच्चा 3 साल का हो गया, केला केला सुन के 3 साल का हुआ, स्कूल में गए, मैम ने बोला बनाना, अब पहले वो हिंदी सीखे फिर वो इंग्लिश सीखे। लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर था बिफोर बनाना, बनाना मीन्स केला, पहले ऐसे पढ़ाते थे। क्या बोला मैंने? बिफोर बनाना, बनाना मीन्स केला, अब खाली बनाना पढ़ाते हैं, केला वो खुद सीखेगा और वो कभी नहीं सीखेगा। क्योंकि इंग्लिश कैसे सिखाई जा रही है? इंग्लिश ऐसे सिखाई जा रही है बेटा आइए लंच करते हैं, क्या बनाया भाई? बनाइए राइस और दाल, ना राइस का छोड़ा ना दाल का छोड़ा, या तो पूरी इंग्लिश बोलो या पूरी हिंदी बोलो। जरूरी है हम बच्चे को सारी चीज इंग्लिश में ही सिखाएं? हमें बस उसे कम्युनिकेशन सिखाना है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर है, छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है। आई एम गेटिंग शॉक टू सी द लैंग्वेज कोडिंग, मतलब समझते हो, उस बच्चे को दाल नहीं पता कितने तरीके की होती है जो वो रोज खाता है, उसे ये नहीं पता दाल कितने तरीके की, उसे सब्जियों के सही से नाम नहीं पता, उसे ये नहीं पता बैंगन क्या होता है, वो खाता है और उसे, लेकिन उसे कोडिंग सिखाई जा रही है। इतना मॉडर्न किसी भाई, जिंदगी जियो, मजे से जियो, माइंड को ना डेवलप करना है, माइंड को कंप्यूटर नहीं बनाना, मशीन नहीं बनानी, जीव हम इंसान है, इंसानों की तरह जीना है। टेक इट टाइम, टेक इट इजी, एवरीथिंग टेक इट इजी। मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ा कोर्स है सीएस कोर्स, लेकिन टेक इट इजी, टेक इट इजी। करना है कितने दिन में होगा मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में एक चीज है बस, और वो है हार्डवर्क। बस इसी बात पर डिग रहना, मेरे हाथ में क्या चीज है? हार्डवर्क, वो मैं ईमानदारी से करूंगा। उसके बाद कितने दिन में सीएस होती है मुझे भी नहीं पता, ये किसे पता है? ये डेस्टिनी इज डिसाइडेड बाय द गॉड एंड हार्डवर्क इज डिसाइडेड बाय मी। आर यू गॉट द पॉइंट? यही जिंदगी को खुशी से जीने का एक अच्छा आपका मूल मंत्र है जो आप सीख सकते हो। तो देखो बहुत ज्यादा हाई फाई चीजों में नहीं जाना, हाई फाई बनना है लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? अब सुनो अगली बात सुनो, हमने कहा हमारा ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च। क्या एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास कर ले? जिस शेयर होल्डर ने पैसा लगाया वो तो डॉक्टर भी हो सकता है, वो तो इंजीनियर भी हो सकता है, वो तो लेमैन भी हो सकता है, वो तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक दिन स्कूल नहीं गया। इट मे बी पॉसिबल, यस और नो? कम ऑन रिप्लाई। क्या उसे समझ में आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? उसे समझ में आता है? ये हमें समझ में आता है क्योंकि हमने उसकी पढ़ाई करी है। नॉर्मल लेमैन को ये भाषा समझ में नहीं आती, इसीलिए वो खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे विश्वास नहीं करेगा, वो एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट करेगा जिसकी एक्सपर्टाइजेशन है इसमें। और इंडिया के अंदर इस फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन मानी जाती है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बताइए क्या किया जाए? अपॉइंट्स सीए एज ए स्टैच्यूटरी ऑडिटर, सीए अपॉइंट किया जाएगा एज ए स्टैच्यूटरी ऑडिटर, ठीक है? अपॉइंट कौन करेगा जल्दी बताओ, कम ऑन रिप्लाई फटाफट बताओ जल्दी, कौन करेगा? हाँ जी, कौन करेगा जल्दी बताओ, बीओडी या शेयर होल्डर्स? हाँ दोबारा बताओ, बीओडी या शेयर होल्डर्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स है बीओडी? यस, यही एक टाइम है
जो आपका माइंड मुझे ओपन कर देना, एकदम दिमाग खोल देना तुम्हारा। कौन अपॉइंट करेगा स्टैचुटरी ऑडिटर को? बीओटी या शेयर होल्डर? बीओटी वाले हाथ उठाई है। लाइव वाले बच्चे आप भी पार्टिसिपेट करें, ए भाई और बहनों, यस बताइए, बीओटी और शेयर होल्डर? बीओटी वाले हाथ उठाओ, बीओटी। शेयर होल्डर वाले बताइए, शेयर होल्डर वाले कौन कौन है? अच्छा, बीओटी क्यों करेगा? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन, मैं आपके सामने एक टेस्ट पेपर देती हूँ बेटा, ये टेस्ट सॉल्व करना है आपको, पकड़ो, टेस्ट सॉल्व करना है। इसको चेक मैं करूँ या आप करोगे? क्यों? क्योंकि आप बट्टे में से बट्टे ले लोगी, 100 out of 100 खुद ही चेक करोगे, तो मेरी बात से सहमत हो? 100 out of 100 ले लोगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या बनाया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेकिंग भी वो खुद ही करेंगे तो बोल देंगे सब सही है जी, सब सही है, झूठे खर्चे भी सब सही है जी, यस और नो? तो बताओ क्या किया जाए? क्या ऐसे व्यक्ति से इनको अपॉइंट किया कराया जाए जो बीओटी से कनेक्टेड नहीं है? तो वो कौन, पैसा किसका है? तो अपॉइंट भी कौन करेंगे? इट मीन्स स्टैचुटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, यस और नो? क्लियर होगी बात? अगला पॉइंट सुनना जरा, बहुत ही प्यार से नेक्स्ट पॉइंट सुनना। अगली बात, आप लोग यहां क्यों बैठे हो? मैम आप ऐसी ऐसी बातें पूछती हो ना मैम, दिमाग हिल जाता है। आप इधर क्यों बैठे? कम ऑन रिप्लाई, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। आप यहां क्यों बैठे हो? स्टडी करने के लिए। क्या करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए? शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा क्यों दिया? पैसे से पैसा कमाने के लिए? आई एम राइट और रॉन्ग? पैसे से। और शेयर होल्डर्स को जो पैसा दिया जाता है वो किस फॉर्मेट में दिया जाता है, ये बताइए? शेयर होल्डर्स को जो पैसा दिया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या बोला मैंने? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो वो डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे यहां क्वेश्चन पूछूंगी। मान के चलिए हमें डिविडेंड चाहिए। हमें क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। तो वो जो डिविडेंड हम लेंगे वो किससे लेंगे? कंपनी से लेंगे। अब मान के चलिए कंपनी को बिजनेस कौन देख रहा है? बिजनेस की देखरेख कौन कर रहा है? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिजनेस में कितने पैसे की जरूरत है ये भी कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डिविडेंड कितना देना है ये भी कौन डिसाइड करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई और बहनों, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बीओडी। और हम इस बात से सहमत हैं या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? शेयर होल्डर्स। इट मीन्स रिकमेंडेड बाय बीओडी एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। पता है मैंने आपको कहाँ की बात पढ़ा दी है? एग्जीक्यूटिव की। मजे मजे में एग्जीक्यूटिव पढ़ा दिया आपको, इसी चीज ये देख लीजिए आप कहाँ तक के बच्चे हो गए हो आप। अब डिविडेंड को रिकमेंड कौन कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और डिक्लेयर कौन कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स। दो बातें समझ में आ गई? चलिए जी, अच्छा तो अब हम चलते हैं तीसरी तरफ। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, पैसा किसका है? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। ओके जी, चलिए जी, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, ऑडिटर अपॉइंट हो गया। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास आएंगे, हमारे पास आएंगे कब? क्यों आएंगे? 31 मार्च के बाद। टाइम नहीं चाहिए ऑडिट करने के लिए? चेक नहीं करवाओगे किससे? सीए से। उन्हें टाइम नहीं चाहिए चेक करने का? बोलो, 6 महीने का टाइम दिया जाता है। कितने महीने का? 6 मंथ का टाइम दिया जाता है ऑडिट करने के लिए। कितने महीने का? एक बार और जोर से बोल दीजिए, 6 मंथ। इसका मतलब हमारे पास जो अकाउंट्स आएंगे वो बिना ऑडिट के आएंगे, आफ्टर ऑडिट आएंगे? मतलब उसे लैंग्वेज बोलते हैं ऑडिटेड अनऑडिटेड? ऑडिटेड आएंगे, यस और नो? अब वो जो ऑडिटेड स्टेटमेंट है उनसे हम सहमत हैं या नहीं है कौन डिसाइड करेंगे? शेयर होल्डर्स, कि हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं या हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, हम इन्हें अडॉप्ट करते हैं या हम इन्हें अडॉप्ट नहीं करते, क्या ये कौन डिसाइड करेंगे भाई और बहनों? ओके, तो अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। अब तुम्हें मजा आ जाएगा, ये 4 काम ऐसे हैं जो शेयर होल्डर्स को करने हैं। क्या क्या, जरा रिप्लाई करो जल्दी। स्टैचुटरी ऑडिटर, ये जो अपॉइंट होगा स्टैचुटरी ऑडिटर, इसे अपॉइंट कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और
और क्या बताइए, चार काम हो गए ना, दोबारा से बता रही हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन देयर रेमुनरेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड फिक्सेशन देयर रेमुनरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स. क्लियर या ऑल क्लियर? क्रक्स में सुनो, ए डबल डी ए अड्डा, ए फोर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डी फोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डी फोर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, ए फोर ऑडिटर अपॉइंटमेंट. ए फोर ऑडिटर, ए फोर अडॉप्शन, डी फोर डिक्लेरेशन और डी फोर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट. ये चार काम ऐसे हैं जो चारों के चारों काम कौन करेगा? यस और नो? अब अगली बात सुनो, शेयर होल्डर्स अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनको करनी पड़ेगी ए जी एम, बोले तो एनुअल जनरल मीटिंग. आपके हिसाब से कब होनी चाहिए, सोच के बताओ. 31 मार्च को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो चुके हैं. वेरी गुड. ऑडिट होने के बाद कितना टाइम दिया था? 6 मंथ. अब मैं आपको बताती हूँ, अगर पहली एजीएम कर रहे हैं तो टाइम 9 मंथ्स होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है. सब्सिक्वेंट एजीएम कर रहे हैं तो टाइम 6 मंथ होता है. इसका मतलब 6 मंथ कैलकुलेट करना 31 जुलाई से, हाँ 31 मार्च से 6 मंथ सेप्टेम्बर, मेरी कैलकुलेशन तेज है, 30th सेप्टेम्बर क्या होगी? 30th सेप्टेम्बर. येस और नो? तो इट मीन्स 30th सेप्टेम्बर तक, मतलब थोड़ा अच्छा सा बोलती हूँ, लास्ट ड्यू डेट है 30th सेप्टेम्बर तक एजीएम हो जानी चाहिए. कब तक जरा बताना? 30th सेप्टेम्बर तक एजीएम हो जानी चाहिए. यस और नो? और अगर बाय चांस नहीं हुई तो कंपनी कह रही हम नहीं कर रहे एजीएम, हम नहीं कर रहे, तुमसे जो वो कर लो, जाओ चलो निकलो. अच्छा, एक महीने की 30 डेज की पेनल्टी बताओ. पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 1,50,000. मत करो, 5,000 रुपये रोज की पेनल्टी है, भर देना. यस और नो? अच्छा ही बताइए, मैं आपसे अगला प्रश्न पूछती हूँ कि एजीएम अगर नहीं होगी तो इसका नेगेटिव इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा? क्यों जाएगा? शेयर होल्डर्स को हिसाब ही नहीं बता रहे, इफेक्ट नुकसान किसका होगा शेयर होल्डर्स को? वो कह रहे थे हमें हिसाब दे दो, कि नहीं देंगे जब तक एजीएम नहीं होगी, हिसाब नहीं मिलेगा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड नहीं होंगे, डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होंगे, ऑडिटर अपॉइंट नहीं होंगे. इसका मतलब राइट किसके अफेक्ट होंगे? शेयर होल्डर्स के. इसीलिए 5,000 रुपये रोज की पेनल्टी, और तब तक पेनल्टी रहेगी जब तक एजीएम नहीं हो जाती. तो चलिए जी, अब एजीएम करते हैं. एजीएम में क्या होगा? एजीएम में, अब सुनिए, हाँ मैं मीटिंग की बात करती हूँ. अब मीटिंग सुनना मेरी बात ध्यान से. मीटिंग जो है वो कई तरीके की होती है, जैसे कि पहली बोर्ड मीटिंग, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो फटाफट से. पहली बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? बोर्ड मीटिंग किसे बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. दूसरी जनरल मीटिंग, ये किसकी होती है? अच्छा, शेयर होल्डर्स में भी जनरल मीटिंग कई तरीके की हो सकती है. एक तो हर साल होनी है, जिसमें चार काम होंगे. कमऑन रिप्लाई. एक मीटिंग तो हर साल होनी है, जिसमें चार काम होने हैं. चार बोले तो मैं बोल सकती हूँ उसे एजीएम. क्या बोल सकते हैं उसे, जल्दी बताओ? एजीएम बोले तो एनुअल जनरल. उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्क करना है तो एजीएम बुला सकते हैं. अदर देन अगर कोई और काम करना है तो क्या बुला सकते हैं? एजीएम. तो इसका मतलब जनरल मीटिंग दो तरीके की होगी. कौन कौन सी? एजीएम और ईजीएम. एजीएम हर साल होनी है. अगर कोई ऐसा काम है जो आप ईजीएम में नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हो? ईजीएम. अब अगली बात सुनो, कंपनी की पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अब सुनो, कंपनी में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है इन टू पार्ट्स. किस किस को दे रखी है? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और एक दे रखी है बच्चों शेयर होल्डर्स को. अच्छा मैम, हाँ सच्ची में किस किस के पास है पावर जरा बताना? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी शेयर होल्डर्स. क्लियर हो रही है बात? अब सुनो अगली बात,
कुछ पावर बीओडी के पास है तो वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं बोर्ड मीटिंग में, और कुछ पावर एक्ट के अंदर डिफाइन है, दैट इज टू बी मेंशन इन द एक्ट। टाइम बता रही हूं मैं, 13 बज चुके हैं 13:23, ठीक है। तो क्या देख रहे थे? अच्छा, अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, लाइट वापस आ जाएगी वो अभी। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए, कंपनी एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखी है कि ये पावर शेयर होल्डर्स की है, और कंपनी एक्ट में डिफाइन कर रखी है पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। अगर कुछ काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाते, वो किसके अप्रूवल से होते हैं? शेयर होल्डर्स की, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, दो तरीके के काम होते हैं, उन्हें बोलते हैं बिजनेस। क्या बोला मैंने, जल्दी जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं उन्हें? बिजनेस। बिजनेस बच्चों दो तरीके के हैं, एक ऐसे बिजनेस है जो हर साल होने होने हैं, उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। कम ऑन रिप्लाई, ऑर्डिनरी बिजनेस। और एक ऐसे होते हैं जो कभी कभी होने हैं, कभी कभी स्पेशल बिजनेस। दो तरीके के बिजनेस हो गए, कौन कौन से? ऑर्डिनरी और स्पेशल। अच्छा बताइए, जो ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल बिजनेस है, उसमें अप्रूवल किसकी लेनी पड़ेगी? शेयर होल्डर्स की। किसकी लेनी पड़ेगी? जल्दी बताइए, बिजनेस कौन डिसाइड करेंगे? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स के लिए क्या करनी पड़ती है? मीटिंग। अब सुनो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगी। ADDA इज इक्वल्स टू ऑर्डिनरी, आगे देखो, अदर देन अड्डा इज इक्वल्स टू स्पेशल बिजनेस। कितना आसान है, अड्डा जो है वो ऑर्डिनरी है। अड्डा क्या कहता है? एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, वो बिजनेस कैसे हैं? ऑर्डिनरी। और इनको छोड़कर हर एक बिजनेस स्पेशल है, समझ आई मेरी बात? अब अगली बात सुनो, AGM में कौन से बिजनेस डिस्कस होते हैं? अड्डा होता है, साथ में कभी कभी ऐसा पॉसिबल है जब हम मीटिंग कर ही रहे हैं और शेयर होल्डर से ये अप्रूवल लेनी है और AGM कंडक्ट हुई, चार के अलावा कोई पांचवा काम करना है तो अड्डा तो हो ही रहा है, स्पेशल बिजनेस भी कर सकते हैं अगर मीटिंग हो रही है तो, है ना। जो चार में कवर नहीं हो रहा, पांचवा क्या है? स्पेशल, वो भी हमें अप्रूवल लेनी है, तो AGM हो रही है तो हम AGM में अप्रूवल ले सकते हैं। यस और नो, मेरी बात समझ में आई? अब एक बात सुनो, AGM हो गई कंडक्ट, उसके बाद कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है, अब जुगाड़ बताइए क्या करेंगे? कंपनी सेक्रेटरी बन गए, स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है, अप्रूवल लेनी है शेयर होल्डर्स की, अब क्या करें? AGM हो चुके हैं, कंडक्ट क्या करनी पड़ेगी? बहुत ही अच्छे, सुंदर बच्चे, क्या कंडक्ट करनी पड़ेगी? AGM। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है स्टेप बाय स्टेप? चलो अब अगली बात सुनो, अप्रूवल लेने के दो तरीके हैं। क्लास जो देखेगा ना, उसकी मन है ना एकदम संतुष्ट हो जाएगा, या तो समझ में ही नहीं आएगा, समझ आएगा तो बहुत अच्छा। तो आपको सबको समझ में आ रहा है? भाई सब दो बात है, या तो बच्चे बहुत ब्रिलियंट है या टीचर ब्रिलियंट है, या दोनों ही बात है, आप किससे सहमत हो? पहला, दूसरा, तीसरा? कैसे बच्चे है? अब देखिए, अप्रूवल लेने के दो तरीके हैं, सुनिए ध्यान दीजिए। एक होता है OR, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और बच्चों एक होता है SR, उसे बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। अब मुद्दा ये उठता है, OR किस में चाहिए और SR किस में चाहिए? अब मेरी बात सुनना, अगली, जनरली मैंने एक शब्द यूज करा, और लॉ में एक बात ध्यान रखना, लॉ में एक एक शब्द कीमती होता है। शब्द मजा आए तो वाह वाह करना, बहुत देर से वाह वाह नहीं करी तुमने। देखिए, हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम सबसे अमीर हैं, हम सबसे बुद्धिमान हैं, ये बात होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक लड़की 4,000 रुपये खर्च करके अपने भाई की शादी के लिए रेडी होती है, पार्लर में 4,000 रुपये खर्च करके आई, एक दुल्हन ने HD मेकअप कराया, 70,000 रुपये पार्लर में खर्च किए, और पार्लर के बाहर निकलते उसका एक क्वेश्चन होता है, क्या होता है जरा सुनिए, अपनी सहेली से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूं? वो सहेली बोलते, बिल्कुल बकवास लग रही है। तो क्या वो बकवास हो जाएगी?
भाई वो सुंदर है या नहीं सुंदर है वो हमें खुद को लगना चाहिए ना, यस और नो। तो इसीलिए हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम सुंदर हैं या हम सुंदर नहीं है, हम इंटेलिजेंट हैं या इंटेलिजेंट नहीं है, हम अमीर बन सकते हैं नहीं बन सकते, हम गरीब बन सकते हैं या अमीर बन सकते हैं, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय यू ओनली। अगर कोई सीएस बनने से आपको रोक सकता है तो सिर्फ आप हो, आपके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सीएस बनने से रोक दे, ये ध्यान रखना मेरी बात हमेशा। तो आपको हट्टी बनना पड़ेगा, आपको अड़ियल बनना पड़ेगा, आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, अपनी बात पे अड़िग रहना है। दुनिया में हमेशा जय जयकार उसी की हुई है जिसने कुछ करके दिखाया है, और जिसने कुछ करके दिखाया है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल आते हैं, सबसे ज्यादा हार्डवर्कर, जिसका जीवन बहुत स्मूथ चल रहा है, जिसे जिंदगी में कुछ नहीं करना उसकी लाइफ ऐसे चलती है, और जिसको लाइफ में कुछ बड़ा बनना होता है उसको बड़ी मुश्किलें आती हैं। ध्यान रखना, अगर टारगेट बड़ा है तो प्रॉब्लम बड़ी आएंगी, टारगेट छोटा है प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी। खाली बीकॉम करो, अकाउंटेंट बन जाओ, लाइफ सेट, सेट होगी लाइफ। सीएस करना है, बड़ी मुश्किल आएगी जिंदगी में, बड़ी ऊंची छलांग लगा रहे हो आप, बड़ी ऊंची पोजिशन के लिए जा रहे हो, कंपनी एक्ट के लिए अंदर डिफाइन है, कंपनी एक्ट में डिफाइन है, यू कम्स इन टू द डेफिनेशन ऑफ KMP, की मैनेजरियल पर्सनल, जहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, होल टाइम डायरेक्टर आते हैं, CFO आते हैं, CEO आते हैं, वहां कंपनी सेक्रेटरी बैठता है। किसी किसी की पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन उसे BOD का मतलब नहीं पता होता, वो कभी बोर्ड रूम में गया नहीं होता, बिना सीएस की मीटिंग नहीं होती है, सीएस वहां बैठेगा। जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे और आप बोर्ड रूम में जाओगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपकी जितनी उम्र होगी उतना उनके पास तजुर्बा होगा, जितनी आपकी एज होगी बोर्ड में जाके बैठोगे। ओधा ऊंचा है, पोजीशन बड़ी है, प्रोवाइडेड तो मेहनत भी बड़ी है। अकाउंटेंट बन जाएगी, खाली BCom करके लाइफ सेट हो जाएगी, साथ में कोई कोर्स कर लेना, टैली वैली ये कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, शॉर्ट टर्म लाइफ हो जाएगी। भाई साहब तुम ताजमहल बन रहे हो, टाइम लगेगा, इट टेक्स सम टाइम, और पेशेंस नहीं है यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस कोर्स, समय नहीं है यू आर नॉट परफेक्ट गाय फॉर दिस कोर्स, तुम्हारे पास समय ही नहीं है, तो आप इसके लिए परफेक्ट नहीं हो, BCom करो, जॉब कर लो। इसके अंदर तो आपको गन्ने की तरह रस निकाला जाता है, फिर रस निकाला जाता है, और डबल लेयर्स में छाना जाता है, डबल लेयर्स में कपड़ा लगा के छाना जाएगा, छलनी लगा के नहीं, वही निकलेगा जिसके अंदर, जो बिल्कुल एकदम फाइन होगा, परफेक्ट होगा, मेरे जैसा। सही बात है, मेरे जैसा ही मतलब जो CS बनते हैं। तो ये चीज अगर आपके पास है तो आप काबिल हो। किसी ने ये तो बोल दिया भाई 3 कोर्स कर लो, CA CS CMA, CA नहीं होगा तो तुझसे CS होगी, गलत बोला, कभी नहीं होगा। अगर कोई CA नहीं कर सकता तो वो CS भी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है कि तुझसे CA नहीं होगा मतलब आपकी काबिलियत पे क्वेश्चन मार्क है। जब तुमसे CA नहीं होगा तो तुमसे CS भी नहीं होगा, और अगर तुम CA कर सकते हो तो तुम CS भी कर सकते हो। तो इसका मतलब कोर्स ये नहीं डिसाइड करते कि आप क्या नहीं कर सकते, मेहनत डिसाइड करती है आप क्या कर सकते हो। एक 12वीं फेल व्यक्ति जब ऑफिसर बन सकता है तो आप क्यों नहीं, तो इट डिपेंड अपॉन योर थॉट्स, बनना क्या है, सिंपल। समझ में आई मेरी बात, आगे सुनो। अब हमने कहा जी OR और SR दो बातें हो गई। OR का मतलब होता है 51% और मोर अप्रूवल देते हैं, जहां हमें कोई डिसीजन पारित करना है उसमें 51% या उससे ज्यादा अगर अप्रूवल चाहिए तो OR है, ठीक है, और 3 times फेवर में चाहिए तो SR है। कितने टाइम्स? 3 times फेवर में चाहिए तो SR है। समझ में आई मेरी बात? जनरली ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए OR और स्पेशल बिजनेस के लिए SR। स्पेशल बिजनेस के लिए क्या चाहिए? SR। बट इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, सुनना मेरी बात ध्यान से, इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन बिजनेस तो होगा ऑर्डिनरी, सॉरी बिजनेस तो होगा स्पेशल, कैसा होगा? स्पेशल, लेकिन रिजोल्यूशन होगा OR। अब बताओ जल्दी से मैंने क्या बोला? जनरली ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए क्या होता है? OR, और स्पेशल बिजनेस के लिए SR। बट इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन बिजनेस कैसा है? स्पेशल, और रिजोल्यूशन कैसा है? वो बहुत कम ऐसी स्थिति है। कहां पर SR पास होगा, कहां पर OR पास होगा, दैट इज टू बी मेंशन इन सेक्शन।
जब कंपनी में वो काम होगा तो उस काम के अंदर लिखा होगा कि एज पर दिस सेक्शन एसआर पास करना है या फिर ओआर, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नियम समझा दिया। जनरली स्पेशल बिजनेस के लिए एसआर और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ओआर, बट इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन बिजनेस क्या है स्पेशल और रिजोल्यूशन क्या है ओआर। क्लियर हुई बात? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और फिर रिवाइज करेंगे। भाई और बहनों, AGM में OR होगा SR होगा? अब उल्टा पूछ रही हूं मैं, OR या SR, मतलब घुमा के पूछ रही हूं, OR होगा या SR होगा? OR तो होगा ही होगा, साथ में SR भी हो सकता है, SR भी हो सकता है। क्यों क्यों हो सकता है जरा बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि AGM में अड्डा तो होना ही होना है, लेकिन साथ में क्या ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ओआर तो होगा ही होगा लेकिन एसआर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब अगली बात सुनो, अगली बात बताओ मुझे, अगला क्वेश्चन सुनना। ईजीएम में ओआर होगा एसआर होगा? एसआर भी हो सकता है, ओआर भी, एक्सेप्शनल सिचुएशन, बिजनेस स्पेशल है, रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी है, क्योंकि जरूरी नहीं हर स्पेशल बिजनेस में ऐसा ही हो, कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं। बिजनेस कैसे है, स्पेशल और रिजोल्यूशन कैसे है, ऑर्डिनरी। समझ में आई बात? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा। अब अगली बात सुनो, ईजीएम में, अगली बात सुनना, ईजीएम में कौन से बिजनेस डिस्कस होंगे? वेरी गुड, सिर्फ स्पेशल, लेकिन रिजोल्यूशन ओआर भी हो सकता है, रिजोल्यूशन एसआर भी हो सकता है। रिवाइज करें, रिवाइज करें, चलिए जी। अच्छा तो अब हम चलते हैं, कम ऑन, अब हम रिवाइज करेंगे, अब हम रिवाइज करेंगे। यहां से कंपनी को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, दो तरीके से फंड कलेक्ट कर सकते हैं, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। ऑनर्स फंड के पास पार्टिसिपेट करने का अफेयर्स में कंपनी के पास अधिकार नहीं होता जब तक कि उनके राइट इफेक्ट ना हो। बोरोड फंड में अलग अलग तरीके से हम फंड रेज करते हैं, डिबेंचर्स इश्यू करके, डिपॉजिट एक्सेप्ट करके या बैंक से लोन लेके। डिबेंचर्स का होता है रिडम्पशन, लोन का होता है रीपेमेंट, डिपॉजिट का होता है रीपेमेंट। इन तीनों ही तरीके से बोरोड फंड में हमेशा रिटर्न के रूप में मिलता है इंटरेस्ट। दूसरा तरीका फंड रेज करने का ऑनर्स फंड होता है, जिसे हम घर वाले बोलते हैं, और इसमें होता है शेयर होल्डर्स। शेयर्स दो तरीके से हो सकते हैं, इक्विटी और प्रीफरेंस। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होते, या इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में दो अधिकार होते हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, किससे पहले, इन प्रायोरिटी ऑफ इक्विटी। उसी के साथ हमने कहा जब कंपनी को पैसे देते हैं, कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए चाहिए डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स डिफाइंड इन सेक्शन 2, गलत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 10। अकेला है तो डायरेक्टर, कलेक्टिव बॉडी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड, बोथ आर द सेम मीनिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है, वही हो सकता है जिसके पास ब्रेन हो। डायरेक्टर बनने के लिए कोई भाई और बहनों क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु क्या दे रखी है, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164, टेंशन मत लेना सेक्शन की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राइट होता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन टू डे टू डे अफेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय कंडक्टिंग अ बोर्ड मीटिंग, बाय कंडक्टिंग अ बोर्ड मीटिंग। ओके, ये कि आप क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियली इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 41। ओके, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड, जितना कम प्रॉफिट उतना कम डिविडेंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय BOD, ये झूठे हो सकते हैं, ये कपटी हो सकते हैं, इसीलिए हम इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। हम इनके अकाउंट्स की चेकिंग करवाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कराएंगे, इसीलिए हमें अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिटर्स, और उनको बोलते हैं स्टैचूटरी ऑडिटर, इसलिए क्योंकि स्टैचूट्स लॉ की वजह से उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। To conduct AGM is a duty of board of directors. 31st March से पहले तो general meeting हो ही नहीं सकती। Meeting is of two types, AGM and EGM. AGM हर साल होनी ही होनी है, it is a duty of board, उसे meeting करानी ही करानी, अगर नहीं कराई तो ₹5,000 रोज की क्या लग सकती है, पेनल्टी। उसी के साथ हमने कहा जी AGM में क्या क्या काम करेंगे, हमने कहा जी चार काम ऐसे होंगे जो हर साल होने ही होने। ADDA, A for adoption of account, D for director appointment, D for declaration of dividend,
ए फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन देयर रेम्यूनरेशन। उसके बाद इसका क्रक्स हो गया क्या, अड्डा। कोई भी एजीएम 6 महीने का टाइम दिया जाता है ऑडिट करने का, 31 मार्च से लेकर 6 महीने का समय होगा, उसमें ऑडिट होंगे और हमें मिलेंगे क्या, ऑडिटेड अकाउंट्स। क्या मिलेंगे जरा बताइए, ऑडिटेड अकाउंट्स। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की राय होगी सही है गलत है उस पर हम विश्वास करेंगे। आगे देखिए, हमने कहा मीटिंग दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, बोर्ड मीटिंग किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की। एजीएम भी हो सकती है और साथ में एजीएम भी हो सकती है। एजीएम इसका मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स, बोर्ड के पास और शेयर होल्डर। बोर्ड को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है, क्या करनी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर्स को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, क्या करनी पड़ेगी, जनरल मीटिंग। उसी के साथ बिजनेस कितने तरीके के, दो, ऑर्डिनरी और स्पेशल। अड्डा हमेशा किसके लिए है, इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस, अदर देन अड्डा स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए, ओआर, और स्पेशल बिजनेस के लिए एसआर। ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सी मीटिंग में डिस्कस होते हैं, एजीएम में, और स्पेशल बिजनेस कहां डिस्कस होते हैं, इट मे बी एजीएम, इट मे बी इन द एजीएम। ओके, एजीएम में क्या क्या पास होता है, कौन कौन सा रिजोल्यूशन पास हो सकता है, ओआर भी हो सकता है, एसआर भी। ईजीएम में भी ओआर भी हो सकता है और एसआर भी। ईजीएम में कौन सा बिजनेस डिस्कस होता है, स्पेशल। एजीएम में कौन सा बिजनेस डिस्कस होते हैं, इट मे बी स्पेशल, इट मे बी ऑर्डिनरी, तो हो रही है साथ में स्पेशल भी हो सकते हैं। दिस वन इज अ बेसिक क्लास एक्चुअली, एंड बेसिक क्लास इज ओवर एंड आउट फाइनली, एंड नाउ अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। अब आप कंपनी लॉ पढ़ने के लायक हो गए हो कि मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ा सकूं, ठीक है बच्चों। अच्छा तो अब हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, कल, कल मिलते हैं फिर हम, कल, कल, कल शायद मैं आपको ना मिलूं क्योंकि कल मैं लंदन जा रही हूँ।